वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल वंस अगेन। आज है संडे मॉर्निंग, अभी अर्ली मॉर्निंग है जैसा कि आप बाहर देख सकते हो। अभी कुछ 6 बजे है और मैं वीकेंड के हिसाब से आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने बेड पर क्या फैलाया हुआ है। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कल पैकिंग कर लूँ, बट कुछ ना कुछ काम आया जा रहा था जिसकी वजह से मैं ना पैकिंग कर पाई और मुझे वीडियो शूट करनी थी, इस वजह से और मैं पैकिंग नहीं कर पाई कल। तो मैंने सोचा चलो संडे मॉर्निंग मैं अर्ली उठ जाऊँगी थोड़ा सा और फिर पैकिंग कर लूँगी। मेरी पैकिंग बहुत क्विक होती है क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग से करती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको लास्ट मिनट पैकिंग करनी पड़े तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करके बहुत अच्छे से अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी रिलेटिव से मिले या मैं कहीं गई तो मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। तो मैं कोशिश करूँगी कि इंस्टा स्टोरीज़ के थ्रू आपको अपने वेयर अबाउट्स इंडिया के बताती रहूँ, तो आपको भी पता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या फ़न हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लें मेरे क्विक अपडेट्स के लिए अगर पॉसिबल हो तो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ अपने पैकिंग टिप्स और आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी मेकअप किट में क्या पैक कर रही हूँ। तो मैं ये 2 बैग्स लेकर जाने वाली हूँ। एक बैग ऑलरेडी पैक कर लिया है मैंने, इसमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं अपनी फैमिली के लिए, और दूसरे वाले बैग में मैं अपने और गोविंद के थोड़े बहुत कपड़े और जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं वो पैक करूँगी। और ये वाला बैग है जो मैं कैरी ऑन करती हूँ, ये मेरा केबिन बैग है, डिसेंट साइज़ का है। इसमें मैं चेंज ऑफ क्लोथ्स, खाना वगैरह रखती हूँ, और साथ ही मैं ये बैग रखती हूँ जिसमें अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं कैरी करती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपनी मेकअप किट दिखा देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कैरी करती हूँ। तो स्टार्टिंग विद माय मॉइस्चराइज़र, ये ओले का रीजेनरेस मॉइस्चराइज़र मैं कैरी करूँगी। उसके बाद ये मेरा प्राइमर है। उसके बाद मैं कैरी करती हूँ अपनी ये टार्ट कॉस्मेटिक्स की बीबी क्रीम, मैं बीबी क्रीम्स ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ तो एक बीबी क्रीम मैंने रख ली है। उसके बाद ये सेटिंग पाउडर मैंने रखा है बॉबी ब्राउन का, और आई मेकअप के लिए मैंने एक ये क्वाड रख लिया है मैक का, और एक मैंने शेफोरा का जो ये सिंगल शेड है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने एक शेड रख लिया है। उसके बाद मैंने रखा है अपना ब्लश, ये मैक का है अगेन, चीकी बिट्स, ये बहुत ही प्यारा शेड है, अगर आप इसे आई शेडो की तरह भी यूज़ करना चाहो लाइट सा शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक ये मैंने रख लिया है। उसके बाद एक परफ्यूम, इस तरीके का ट्रेवल परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है छोटा सा एक कैरी करना, तो ये मैंने सेंटबर्ड से लिया था, बहुत ही क्यूट सा परफ्यूम है, ये मैंने कैरी कर लिया है। उसके बाद मस्कारा, काजल, हाँ बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सी काजल यूज़ करती हूँ, तो देखिए ये है मेरी काजल, मैक की है, ये जेल आईलाइनर पॉट है, और इसके साथ मैं कैरी करती हूँ इसे लगाने के लिए एक एंगल्ड ब्रश, तो ये मैंने रख लिया है। ये है मेरा स्पॉट ट्रीटमेंट, एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट ला रोश पोज़े का, वो मैं कैरी करूँगी, और ये मेरा ब्लश ब्रश है। उसके बाद एक और मैंने ब्रश रखा है थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाने के लिए, मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं था मैंने ये रख लिया है। उसके बाद ये 2 मैंने शेड्स रखे हैं आईलाइनर के, तो आई थिंक दिस इज़ ब्रॉन्ज कलर, और एक ये मेरे पास मार्क जेकब का है बहुत ही सुंदर ब्लूइश पर्पलिश शेड, ये मैंने रखा है। एक कोम, एक बिंदी का पत्ता, छोटी बिंदी का पत्ता, ये सब तो इंडिया में मिल ही जाएगा बट स्टिल मैंने एक कैरी कर लिया है। एक नेल पेंट रखी है, ज़्यादा नेल पेंट्स वगैरह मैं नहीं कैरी कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभी भी हैं जिनके पास बहुत सारा मेकअप का सामान है, तो हम लोग बिल बांट के यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी कुछ हेयर एसेसरीज़ एंड लिपस्टिक्स दिखाती हूँ। तो हेयर एसेसरीज़ एंड लिपस्टिक्स को रखने के लिए मेरे पास ये मैक का एक मेकअप पाउच है, उसमें मैं रखूँगी। तो हेयर एसेसरीज़ में तो मैंने एक ये बनाना क्लिप रखी है, थोड़े से हेयर डाइज, एक क्लचर रखा है, और ये थोड़ी सी बॉबी पिंस, और हाँ ये पिंस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये क्लचर्स मेरे शादी के टाइम के हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल भी काम नहीं आते, तो सोचा चलो इंडिया ले जाती हूँ, वहाँ पे लगा लूँगी साड़ी सूट के ऊपर। और ये है मेरा लिपस्टिक्स का पिटारा जो मैं लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक न्यूड शेड मैं कैरी कर रही हूँ, ये स्मैश बॉक्स का है, इसका नाम है फर्स्ट टाइम मैट। न्यूड्स मैं बहुत ज़्यादा लगाती नहीं बट स्टिल मैं एक कैरी कर रही हूँ जिससे कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पिंक फैमिली में मैं कैरी कर रही हूँ, दिस वन इज़ ट्रॉफी वाइफ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, एंड दिस वन इज़ शनेल,
लग्जूरियंट पिंक. तो ये दो मेरे पिंक शेड्स हैं. उसके बाद ये सारे मेरे जो है रेड एंड पर्पल शेड्स हैं. तो पर्पल में एक ये है मेरे पास अर्बन डिके का. दिस इज़ मैट आफ्टर डार्क. बहुत ही प्यारा शेड है. मैं भी आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ. देखिए, तो एक ये मैं कैरी करने वाली हूँ. उसके बाद है ये द फेमस हुडा ब्यूटी लिपस्टिक, दैट इज़ हार्ट ब्रेकर. ये है. उसके बाद ये है मैक का डी फॉर डेंजर. ये भी बहुत ही प्रिटी शेड है. मैं इसका भी स्वॉच अभी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, तो एक ये कैरी करा है. उसके बाद है ये फेमस हुडा ब्यूटी से. दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट शो गर्ल फ्रॉम हुडा ब्यूटी. बहुत ही प्यारा ग्लिटरी शेड है. उसके बाद ये है शशिडो का शेड. इट्स एग्जॉटिक रेड 516. बहुत ही प्रिटी शेड है ये भी रेड का. उसके बाद एक ये है टार्ट कॉस्मेटिक से लिप पेंट विबिन. एंड ये बहुत ही प्यारा ब्राउनिश रेड शेड है. ये देखिए, और इसको मैं अपने सिंदूर की तरह भी यूज़ करती हूँ. मैंने अपने लिए बहुत ही बेसिक असेंशियल्स रखे हैं टॉयलेटरीज में. और गोविंद के लिए तो मुझे कुछ भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चा है, तो सारा सामान हमें मिल ही जाएगा. और अगर आप लास्ट मिनट मेरी तरह पैकिंग करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक्सटेंसिव लिस्ट बना लें जिसमें हर चीज़ मेंशन करें कि आपको क्या क्या और कितना कितना लेकर जाना है. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट लिस्ट आप सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दें. और जब आपका सारा सामान लास्ट डे तक इकट्ठा हो जाए उसके बाद बस आपको सूटकेस में पैक करना रहेगा. और सूटकेस में साथ साथ आप पैक करते जाएं और साथ साथ लिस्ट में टिक आउट करते जाएं जस्ट टू मेक श्योर कि आपका कोई सामान छूटे ना. तो मैं तो यही ट्रिक फॉलो करती हूँ जब भी पैकिंग करती हूँ अपनी इंडिया की. और इस बार तो मैंने कुछ ज़्यादा कपड़े अपने लिए रखे नहीं हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे एथनिक कपड़े वहाँ पर रखे हैं जो मुझे वापस भी लेकर आने हैं. तो वही सब मैं वहाँ पर पहनूंगी और वही मैं वापस लेकर आऊँगी. और ये मेरा कैरी ऑन लगेज है जिसमें मैं 2-3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स रखती हूँ जस्ट इन केस अगर हमें रास्ते में कभी चेंज करना पड़े. गोविंद है, वॉमिट वगैरह कर सकता है. और 2-3 पेयर्स ऑफ सॉक्स रखे हैं और वेट वाइप्स तो दे आर मस्ट. और अभी मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ जिसमें मैं अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखती हूँ. इसी बैग में मैं एक परफ्यूम रखूँगी, कंघा रखूँगी और अपने कुछ मनी वगैरह मैं इसमें कैरी करती हूँ. और अब मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम पैक कर रही हूँ जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जो भी मुझसे पॉसिबल हो वीडियो शेयर कर पाऊँ. तो देखिए, कैमरा रख लिया है, लैपटॉप वगैरह जो भी सब एसेंशियल्स होते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट जो मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी. एंड आई वेंट अहेड एंड गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लेवॉइड ब्रांड. दिस इज़ एयर प्यूरीफायर. आप सबको पता है कि आजकल हम 24/7 ऑल द मंथ्स हम कंडीशनड एयर में रहते हैं. लाइक समर्स में एसी चलता है और विंटर्स में हम ऑल द टाइम हीटर में रहते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं. तो अभी फॉल सीजन आने वाला है, फिर विंटर आएगा. और आपने देखा होगा कि विंटर्स में अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में एक जने को कोल्ड हुआ है तो फिर सबको कोल्ड हो जाएगा, या एक जने को वायरल हुआ है तो सबको वायरल हो जाएगा. क्योंकि क्या होता है कि फ्रेश एयर का इनफ्लो नहीं होता. सो आई थॉट कि एयर प्यूरीफायर विल बी अ गुड बाय. क्योंकि ये क्या करेगा कि जो भी हमारी घर में एयर ट्रैप है उसको प्योरीफाई करेगा एंड फिर हमें फ्रेश एयर मिलेगी ब्रीद करने के लिए. सो आई वेंट अहेड एंड गॉट दिस एयर प्योरीफायर फ्रॉम लेवॉइड ब्रांड जिसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ. ये न्यूट्रलाइज करता है एयरबॉर्न एलर्जीज को, डस्ट को एंड बैक्टीरिया को. इसमें 3-स्टेज फिल्ट्रेशन होता है. कार्बन फिल्टर है और एक HEPA एंड प्री फिल्टर्स लगे हुए हैं इसमें. और इसमें 3 स्पीड लेवल्स हैं आप जिसपे फ़ैन को वर्क करा सकते हैं. और नॉइस लेवल इसका बहुत ही ज़्यादा कम है. सो जो ये मशीन है वो बहुत ही प्यारी सुंदर दिखने वाली और साइलेंट मशीन आप इसे कह सकते हैं. तो देखिए, ये है एक्चुअल मशीन. देखने में जितनी ज़्यादा ये सुंदर है उतनी ही इजी है इसे यूज़ करना. बैक साइड से आप इसे देखेंगे तो इसके फ्लैप को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं एंड देन यू विल सी दीज 2 फिल्टर्स. ये ऑलरेडी मैंने अनपैक कर चुकी हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अब 3-4 दिन से. एंड ये फिल्टर्स इस तरीके से अंदर चले जाएंगे और फिर आप इसे लगा दीजिए एंड दिस मशीन इज़ ऑल रेडी टू बी यूज्ड. अब मैं आपको इसके कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये देखिए, ये ऑन ऑफ स्विच है. आपको जस्ट टच करना है और ये मशीन ऑन हो गई है.
ये डिस्प्ले मोड है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले होगा, अगर नहीं चाहते तो आप इसे प्रेस कर दीजिए, डिस्प्ले विल बी ऑफ। इन केस आप रात में सो रहे हैं और मशीन को बिल्कुल साइलेंट करना है तो आप स्लीप मोड ऑन कर दीजिए, तो फ़ैन की जो वॉइस है आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। और डिस्प्ले मोड में भी यही है कि अगर आप बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहते सोते वक्त तो आप डिस्प्ले मोड ऑफ कर दीजिए एंड लाइट विल बी कम्प्लीटली गॉन। देन कम्स दिस ऑटो मोड विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। आप अगर अपने एयर प्योरीफायर को ऑटो मोड पे रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एयर क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है विच विल सेंस द क्वालिटी ऑफ योर एयर, एंड अगर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है तो ये फ़ैन की स्पीड को अपने आप एडजस्ट करेगा। मीन्स अगर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फ़ैन की स्पीड हाइएस्ट रहेगी, अगर एयर क्वालिटी जैसे जैसे ये प्योरीफाई करके बाहर डालता जाएगा और एयर क्वालिटी अच्छी होती जाएगी तो ये फ़ैन की स्पीड को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करता जाएगा और कम कर देगा, एंड एट सर्टन पॉइंट जब आपकी एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी तो ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी ऑटो मोड पे। अगेन देयर इज़ अ स्पीड बटन विच यू कैन प्रेस टू मैनुअली एडजस्ट द स्पीड ऑफ द फ़ैन, एंड नेक्स्ट इज़ दिस टाइमर बटन। टाइमर आप इसमें सेट कर सकते हैं, अगर आप इसे 5 घंटे चलाना चाहते हैं या 12 आवर्स वाइल्ड स्लीपिंग चलाना चाहते हैं तो आप अपना टाइमर यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी कंट्रोल है इसका एंड देखने में भी ये मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो मुझे बेस्ट पार्ट इस मशीन की लगी है वो ये है कि आप इस मशीन को इस तरीके से वॉल से अटैच करके रख सकते हैं, बिकॉज आप इसमें देखेंगे जो एयर चैम्बर्स हैं जहाँ से एयर सक होती है और जहाँ से एयर बाहर आती है वो साइड में है और अपर पैनल में है, तो बैक से कोई एयर कंट्रोल नहीं है, कोई एयर ब्लॉक नहीं होगी अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आती है और ये इतनी ईजी टू हैंडल है और लाइट वेट है कि आप इसे आराम से उठा के उस रूम में रख सकते हैं जहाँ पर आप बैठे हैं। सपोज़ करो अगर आप दिन के टाइम में लिविंग रूम में बैठे हैं या लिविंग रूम में आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप लिविंग रूम में लगा लीजिए, रात में सोते टाइम अगर आप इसे बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो आप इसे बेडरूम में भी लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार इस मशीन को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। और आप सभी जानते हो अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में तो पॉल्यूशन की कोई कमी नहीं है, और अभी दिवाली का मौसम है, दिवाली आने वाली है तो आपको पता ही है कितने सारे क्रैकर्स होते हैं, कितना पॉल्यूशन एकदम से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। सो दिस मशीन विल बी रियली हेल्पफुल, एटलीस्ट रात के टाइम जब आप सोओगे, आपके बच्चे सोएंगे तो फ्रेश एयर आपको मिल सकती है ब्रीथ करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो तो अगेन आप, मैंने बोला कि अभी विंटर्स आने वाली है, एक्सट्रीम विंटर्स वाली जगह पे हम लोग हमेशा हीटर के अंदर रहते हैं, कंडीशनड एयर में रहते हैं, तब भी ये मशीन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि सेम एयर घर में सर्कुलेट हो रही होती है, तो विद दिस मशीन वी कैन हैव द फ्रेश एयर कमिंग इनसाइड, विद द क्लीन एयर वी कैन ब्रीद इन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आपके लिए मेरे पास डिस्काउंट कोड भी है तो वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले। मैंने इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा प्रमोट नहीं करूँगी जो मुझे खुद पसंद नहीं आता या जो मेरे व्यूअर्स को मिसलीड करे। एक्चुअली में मुझे ये प्रोडक्ट मेरे घर के लिए बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा समझा। सो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ अपनी इंडिया जाने की शॉपिंग शेयर की, इस अमेजिंग से प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया। मैं बोलना चाहूँगी अगेन कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो अपनी रिसर्च ज़रूर एक बार कर लें और फिर आप इस प्रोडक्ट को बाय करें, बट फॉर मी ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ क्विक अपने इंडिया के अपडेट्स इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू शेयर करती रहूँ। एंड विश मी लक, विश मी हैव अ सेफ ट्रिप, बिकॉज मैं गोविंद के साथ अकेले जा रही हूँ। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं उसे अकेले लेकर जा रही हूँ, बट नाउ यू नो कि वो टेरिफिक, ऑलमोस्ट टेरिफिक 3 है, तो थोड़ा सा मैं एनजाइटी में हूँ और थोड़ा सा डरी भी हुई हूँ, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे जाते ही एस्केलेटर्स को देखते बिल्कुल उसके अंदर जो मैडनेस आती है ना वो अनहैंडलेबल होती है, अकेले तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो इधर उधर भागता है और वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है। बट देखते हैं कैसा रहेगा, और आप लोगों के साथ मैं ट्रैवल ब्लॉग भी शेयर करूँगी, इसके बाद ट्रैवल ब्लॉग ही आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड You guys know that I love you all, तो please इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। Till then you take care, bye.